कर्जा ये करवाए हैं और भी टाइम से खाना ना मिलता है और पैसा बारे कर्जा बारे परेशान करते हैं लोन बारे। लड़की की शादी करी हमने हमारी, अब उसमें पैसा लेने पर गो कर्जा हुए गो हम पे, तो अब उस चक्कर में कर्जा देना है मिलो हमें। अब लड़की शादी करने के लिए रह गई एक है, तो नहीं फोन पर घर पर जाते हैं वो धमकी देते हैं कि हम बंद कर देंगे कि कुर्की कर देंगे। हम बच्चों की फीस भी नहीं भर पाते, बच्चे स्कूलों से बाहर कर देते हैं हमारे। हम एक डॉक्टर तो बना नहीं सकते, हम एक मजदूर के लिए भी तो हैं जो जो आईटीआई भी करानी है, हम आईटीआई की फीस भी नहीं भर पाते, आईटीआई की फीस भी नहीं भरा पाते बच्चों की। तो हम हमारे बच्चे एक मजदूर के समान ही रहने हैं और मजदूर ही रहेंगे। फसल के दाम ही नहीं मिलते तो हम कर्ज कहां से लोगों कोई ताकत नहीं है हमें रोकने वाला, हम कर्ज नहीं दे सकते। कम से कम 70,000 रुपया हमारा उधार में पड़ा हुआ है और पिछला गन्ना अगला गन्ना दे रहे हैं तो हम कहां से कर्ज देंगे। 70,000 रुपया हमारा उधार है गन्ना मिल पे। बरगढ़ जिले के 2 साल के अंदर 100 से ज़्यादा किसान खुदकुशी कर लिया, आत्महत्या कर लिया है अब तक। हमारा गांव के नज़दीकी में 1 किलोमीटर दूर में खैनू बगौरती नाम का एक आदमी, मीडिया में वो तो आता कि नहीं मुझे मालूम नहीं, वो आत्महत्या कर दिया। हमने रास्ता, किसानों ने मिलकर रास्ता जाम कर दिया। हम लोग उड़ीसा विधानसभा हिल गया, विधानसभा कमेटी भी आया, कुछ रिपोर्ट नहीं निकला। 2 साल बीत गया, कुछ कुछ भी रिपोर्ट नहीं निकला।